नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। बारिश का मौसम चल रहा है और ग्राफ्टिंग नहीं किया तो क्या फ़ायदा। अगर आप भी ग्राफ्टिंग के लिए सोच रहे हैं करना है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि जुलाई अगस्त का मंथ चल रहा है। काफ़ी खुशनुमा हवामान है, वातावरण बीजयुक्त होने के कारण जो भी ग्राफ्टिंग आप लगाएंगे वो 90% सक्सेस ही रहेगी। तो हमने जो बाकी प्लांट थे ग्राफ्टिंग के लिए, तो बस आज हमारे फार्म पे हम फिर से जो आम के प्लांट बाकी हैं उनमें ग्राफ्टिंग लगा रहे हैं, तो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। तो ये सारी केसर की जो शाखाएं हैं हमने ग्राफ्टिंग के लिए चयनित की हैं, एकदम से अंकुरित हुई पड़ी हैं, जो कि ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट रहती हैं। वैसे तो हमने हमारी चैनल पर पहले ही आम की कलम मैंगो ग्राफ्टिंग का वीडियो डाला हुआ है, लेकिन सोचा आज ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो फिर से आपके साथ ग्राफ्टिंग का वीडियो शेयर किया जाए। तो ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले तो हमने नींबू के मदद से सैनिटाइज़र की तरह नींबू का यूज़ करके इसको साफ़ कर लिया था कटर को। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो मदर प्लांट है आम का उसको कट लग रहा है, और इसके लिए ये ग्राफ्टेड शाखा जो इसके ऊपर लगानी है वो भी एकदम से तैयार है। अच्छे से इसको दोनों तरफ से तिरछा कट लगा लिया है। तो ये जो मेन मदर प्लांट है इसमें सबसे पहले ऊपरी शाखा को हटाने के बाद इसमें से हम बीच में कट लगाएंगे, ताकि इसमें जो ग्राफ्टेड शाखा है उसे हम इंसर्ट कर सकें अच्छे से। तो सबसे पहले जो शाखा हमने ली है ग्राफ्टिंग के लिए उसके पत्ते हटाए जा रहे हैं, ताकि ये जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट कर दे। कटर की मदद से इन सारे पत्तों को हाफ कट कर लेंगे, और अच्छे से एकदम शार्पली हमने जो इसमें मदर प्लांट में बीच में जो कट लगाया था इसमें हम इस ग्राफ्टेड जो शाखा है इसको अच्छे से इंसर्ट कर देंगे, बीच में स्पेस भी ना रहे और हवा भी आ जा ना सके, ताकि ये जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से एकदम से इसमें हमने ग्राफ्टिंग शाखा को लगा दिया, और इसके ऊपर से हम प्लास्टिक से इसे अच्छे से रैप कर देंगे। इस तरह हमें पॉलीथीन की मदद से एकदम एयर टाइट करके बांधना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें हल्का सा भी पानी जाता है तो फंगस लगने का डर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें एकदम कस के और अच्छी तरह से हवा चुस्त तरीके से एयर टाइट तरीके से इसे बांध लिया जाए। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आज का आपको कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। और ये ग्राफ्टिंग रेडी।